गुड आफ्टरनून क्लास, कल की जो पहली वीडियो थी वो आपने देखी होगी आई एम श्योर। जिसने नहीं देखी है प्लीज गो थ्रू दैट, बिकॉज वो आपका बेस है हरियाणा रोडवेज के लिए और HSSC के आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा पुलिस का भी एग्जाम आपका होना है। उसी सीरीज में जो सेकंड उसका हिस्सा है वो हमें आज डिस्कस करना है अबाउट हरियाणा रोडवेज, वो क्या है, कैसे बना है। और पिछली क्लास में हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवे का जो टॉपिक है वो मैंने अपने फेसबुक पेज, जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस पर मैंने डाला हुआ है, जिसका नाम है स्टडी हाईवे। इस प्रकार का एक सिंबल आपको बना हुआ मिलेगा। आपको करना यह है कि फेसबुक में सर्च कॉलम में जाइएगा और स्टडी हाईवे को सर्च करिएगा, उस पर जाके इस पेज को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और उसके ऊपर मैंने जो हरियाणा के राजकीय राजमार्ग हैं उनके बारे में बताया हुआ है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सारे से सारे आपको उसमें मिलेंगे। अब इसी सीरीज में हम आगे जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। आज का जो विषय है हमारा वो है हरियाणा परिवहन निगम, जिसको हम बोलते हैं हरियाणा रोडवेज। इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं, वो क्या कहती है। सबसे पहली बात, जो हरियाणा रोडवेज है 1 नवंबर 1966 को ये हमारा अस्तित्व में आया है और वर्तमान में इसके जो कमिश्नर हैं, माफी चाहूंगा, इसकी जो कमिश्नर हैं वो हैं सुमिता मिश्रा। इसके जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है श्री चंद्र प्रकाश। ये दोनों के दोनों IAS अधिकारी हैं, ठीक है। हरियाणा रोडवेज का जो हेडक्वार्टर है वो सेक्टर 17 चंडीगढ़ में है आपका। इसी के साथ में हरियाणा रोडवेज ने जो सबसे पहला जो अपना डिपो बनाया था, सबसे पहला डिपो वो था अंबाला डिपो। और इसके अलावा भी वर्तमान में हरियाणा जो रोडवेज है वो अलग अलग सुविधाओं के साथ काम करता है, अलग अलग चीजों के साथ वो काम करता है, वो देखते हैं फिलहाल कौन सी है। December 1, 1987 ये वो डेट है जिस डेट में हरियाणा रोडवेज के अंदर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, जिसको बोला जाता है स्थानीय परिवहन प्राधिकरण। स्टार्टिंग में हरियाणा रोडवेज अंबाला से ही अपना सारा का सारा काम ऑपरेट करता था, मतलब कहने का ये कि एक ही डिपो था। उसके बाद December 1, 1987 में RTE बोला जाता है इनको, शॉर्ट फॉर्म स्थानीय परिवहन प्राधिकरण। ये हरियाणा रोडवेज के अंदर 3 RTE बनाए गए थे और ये 3 थे आपके अंबाला, हिसार और फरीदाबाद। ये 1 दिसंबर 1987 को 3 RTA में हमारे बनाए गए थे और 16 जनवरी 1991 को इसमें 3 और
आरटी ऐड हुए हैं, ठीक है, ये थे आपके रोहतक, करनाल और रेवाड़ी, ठीक है। तो ये पहले तीन थे आपके, उसके बाद तीन और ऐड हुए, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि टोटल हमारे 6 आरटीए हरियाणा रोडवेज में कार्यरत हैं, ठीक है। तो इसके आगे का लेक्चर हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, इसमें अगला टॉपिक है ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल। इसमें टोटल 18 है। मूर्थल सबसे पहला, करनाल, ये मूर्थल आपका सोनीपत में पड़ता है और सोनीपत में NH 44 पे। पूछा जा सकता है पेपर में मूर्थल कहाँ स्थित है, क्योंकि जाट आंदोलन के समय भी ये चर्चाओं में था और ये फेमस है आपके ढाबों के लिए, तो ये आ सकता है आपसे पेपर में, पूछा जा सकता है। करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, अम्बाला, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, नूह, पंचकुला, रेवाड़ी, सिरसा, भिवानी, यमुनानगर, जींद और पानीपत। ये हैं आपके कुछ ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल जो हरियाणा में है, हरियाणा रोडवेज ने ट्रेन करने के लिए ड्राइवर्स को बनाया है। पॉज करिए। टाइप्स ऑफ बसेस, हरियाणा रोडवेज के पास जो टोटल बसें हैं वो 4,250 बसेस हैं, ठीक है, जिसमें 24 डिपो आते हैं, 17 सब डिपो हैं, ठीक है, और रोजाना जो हरियाणा रोडवेज है 1.12 मिलियन यात्रियों को यात्रा करवाती है। ठीक है, रोजाना जो है हरियाणा रोडवेज 1.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अब इसी में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बसेस क्या हैं। हमारे पास, मैंने फेसबुक पे भी और शेयर किया था कि तीन टाइप की बसें हैं, लेकिन ये तीन नहीं, ये चार हैं, इसको अपडेट कर लीजिएगा। सबसे पहली है हमारी सारथी बस सेवा, सारथी बस। अब जो सारथी बस है, इसकी खासियत ये है, ये हरियाणा रोडवेज की एसी वोल्वो बस सर्विस है और ये चंडीगढ़, दिल्ली, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, जो बड़े बड़े शहर हैं उनको जोड़ने का काम करती है सारथी बस सर्विस। नॉर्मली इनका जो कलर होता है सारथी बस का, ये लाल रंग की एसी बस सर्विस है। उसके बाद आती है हरियाणा उदय, हरियाणा उदय, ये हरियाणा रोडवेज की सीएनजी बस सेवा है। अब देखिए भक्तगणों, अगर इसमें सीएनजी का नाम आया है तो जाहिर सी बात है ये जो दिल्ली है आपका, दिल्ली के साथ हरियाणा जो आपका तीनों से लगता है उसको कनेक्ट करती है। तो दिल्ली एनसीआर में जितनी भी बसेस चलती हैं वो सारी की सारी आपकी हरियाणा उदय बसेस हैं। यह आ भी सकता है कि हरियाणा उदय बस सेवा विशेष रूप से किस क्षेत्र के लिए चलाई गई है, विशेष रूप से ये आपकी चलाई गई है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए। तो दो बसें इसमें आपकी हो गई, सारथी बस सेवा और हरियाणा उदय। तीसरी देखते हैं, तीसरी है इसमें हरियाणा गौरव। हरियाणा गौरव इसके बारे में बोला जाता है आम आदमी की खास बस, ठीक है, इसे डिलक्स बस सेवा बोलते हैं,
डिलक्स बस सर्विस। अब डिलक्स बस सर्विस में आप क्या कर सकते हैं, इसमें मोबाइल चार्जिंग फैसिलिटी होती है, और ऑटोमेटिक डोर सिस्टम होता है, सीटें बैठने के लिए कंफर्टेबल होती हैं। आई एम श्योर आपने इनमें सफर जरूर किया होगा। तो ये है आपकी हरियाणा रोडवेज। चौथी कैटेगरी है वो है हरियाणा शक्ति। हरियाणा शक्ति ये आपकी जो बस सेवा है, सुपर फास्ट बस सेवा इसको कहते हैं। सुपर फास्ट बस सर्विस नॉर्मली ये किसी भी जिला मुख्यालय को चंडीगढ़ और किसी भी जिला मुख्यालय को चंडीगढ़ और अन्य शहरों से जोड़ती है। जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में जो बसेस चलती हैं आपकी, जैसे चंडीगढ़ के लिए किसी भी डिपो से, रोहतक से, झज्जर से, हिसार से, यमुनानगर से, वो सारी की सारी बसें आपकी क्या होती हैं, हरियाणा शक्ति। इसके अलावा बहुत सारी बसेस हैं, जैसे शाने हरियाणा, ये जितने भी नाम्स हैं ये फैब्रिकेटेड नाम है, ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में हरियाणा रोडवेज के नहीं है। चार टाइप की बसेस हमें देखनी है। पहली थी आपकी सारथी बस सेवा, दूसरी थी आपकी हरियाणा रोडवेज, तीसरी है आपकी हरियाणा गौरव, और चौथी है आपकी हरियाणा शक्ति। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है हरियाणा रोडवेज का वीडियो का पहला हिस्सा है, आप इसे देखिए और डिटेल्स को नोट करिए, आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेगा। कल भी मैंने आपको बताया था, आज मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। आप लोगों को करना ये है कि हमारा जो YouTube पेज है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने वो बनाया है, स्टडी हाईवे। आप इस पे जाइए और इस पे आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और आपका कोई भी क्वेरी है ये कमेंट सेक्शन उसी में दिया गया है, आप अपने कमेंट जरूर डालिए जो भी आपको डिटेल्स पूछनी है, क्योंकि ये ऐसी जानकारियां हैं जो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। तो आप अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये कमेंट स्पेशली विशेष रूप से आप लोगों के लिए ही दिया गया है, और इसमें एक बेल जरूर बनी हुई होगी, सब्सक्राइब जो बटन होता है उसके साइड में, उस पे आप पक्का क्लिक करिएगा, ऐसी उसकी शेप होगी। ये इसके लिए है, मान लीजिए अगर हम कोई भी नई वीडियोस या कोई भी नया कमेंट, कोई भी नई जानकारी इस पेज पे डालते हैं, इस चैनल पे डालते हैं, तो इसको दबाने के बाद वो सारी जानकारियां आपके पास अपने आप पहुंच जाएंगी, ताकि बार बार आपको अपना पेज देखने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू वेरी मच क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।